3 जून सोमवती अमावस्या के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने धर्म नगरी कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाई और अपने पितरों के लिए पिंडदान किया। पौराणिक काल से ही सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्रह्म सरोवर और सनोहित सरोवर में देवी देवताओं का सानिध्य श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ हर अमावस्या पर सैकड़ों श्रद्धालु कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के पवित्र तीर्थों ब्रह्म सरोवर सनिहित सरोवर पर स्नान किया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं सोमवती अमावस्या पर पहुंचे श्रद्धालुओं का क्या कहना है। जी नमस्कार जी, हम यहाँ सोमवती अमावस के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ से यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए और स्नान करने के लिए। बहुत ही अच्छा माहौल है, अच्छा जो है ये मान्यताएं हैं कि भी यहाँ पे जो है पुण्य मिलता है और वो सबको मिले भी, यही हमारी कामना है। अच्छी है व्यवस्था, अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। एक थोड़ा सा एक महिलाओं के लिए थोड़ा सा अलग हो जाए तो और भी अच्छा होगा, थोड़ा सा जैसे कपड़े वगैरह बदलने के लिए थोड़ी सुविधा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, स्नान लगाने के लिए आए। कैसी व्यवस्था रही? बहुत बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया प्रोग्राम कर रखे सब, बढ़िया साफ सफाई, बढ़िया सारा चीज। यही पहले भी आए थे एक बार, बहुत बड़ा सुधार है जी। क्या कहेंगे? मोती मौसम हमारे लिए बहुत काफ़ी लाभदायक और हमें यहाँ पर अब काफ़ी प्रशंसा हुई है और काफ़ी दिलचस्पी बात है जो यहाँ पर रोमांटिक धर्म के स्थल पर जो कुरुक्षेत्र में आए हम दूसरी बार आए यहाँ पर, काफ़ी यह हमारे को देखने को मिला। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।